जीवन में सहजता कैसे आएगी। लेखक स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर। जीवन में सहजता कैसे आएगी। सहज का तात्पर्य होता है जिसमें कुछ विकार ना हो। हम लोगों में जो असहजता है उसका कारण देखना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में असहजता का कारण रहता है द्वेष। हम जब दूसरों से द्वेष करते हैं तब हमारा मन दुर्बल होता है। दुर्बलता के कारण हम दूसरों से द्वेष करने लगते हैं। हम में कुछ कमी है, यहाँ तक कि दूसरे की प्रशंसा सुनकर भी मन में द्वेष आता है। इससे हम असहज हो जाते हैं। हमारे मन में अज्ञान है इसलिए हम असहज हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को जानने से सहजता आती है। जीवन में दुख का कारण अज्ञान है। हमारा सारा दुख अज्ञान के कारण होता है। जब हम में ज्ञान आ जाता है तो हमारी असहजता मिट जाती है। जब हमारे मन के अनुकूल काम हो तब हम संतुष्ट होते हैं और हमारे मन के विरुद्ध काम हो तब हम असंतुष्ट होते हैं। जब हमारा मन संतुलित रहता है तब हमारा मन सहजता में रहता है। अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ स्वीकार कर लेने से मन सहज हो जाता है। सहजता वही होती है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलित रहता है। सहजता का आत्मा का स्वभाव है। सत्चित्त आनंद हमारा स्वरूप है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य परमात्मा को जान लेंगे तब हम में सहजता आएगी। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार सहज होगा। सभी प्रकार की असहजता को मिटाने के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। संसार निरंतर बदल रहा है। संसार माने अज्ञान। हमें अपने भीतर देखना चाहिए। संसार के सब सद्गुण हम में आए हैं ऐसा हमें लगता है। जीवन में सहजता आती है ज्ञान से, आत्मनिरीक्षण से, और असहजता आती है अज्ञान से। ज्ञान और सहजता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असहजता का अधिकांश कारण हमारा मन ही है। सहज होने पर आदमी सरल हो जाता है। यदि हमारे मन में कुटिलता आ रही है तो हम सहज सरल नहीं हो सकते। जीवन के सुख के पहले हमें अपने स्वभाव को देखना है। जब हम असहज हो जाते हैं तो अनुकूलता में भी प्रतिकूलता दिखाई देती है। अपने स्वभाव को समझने के लिए हमें अपने व्यवहार को देखना जानना चाहिए। सावधान व्यक्ति वही होता है जो अपने चरित्र को देखता रहता है। चरित्र से व्यक्ति का स्वभाव ज्ञात होता है। जो जीवन में सहज हो जाता है उसे संसार की छोटी छोटी बातों में दुख नहीं होता। हम जीवन में असावधान रहते हैं इसलिए सब गड़बड़ी होती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही सब कुछ करता है वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। मनुष्य योनि में कर्म की स्वाधीनता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हम में स्वाधीनता है। व्यक्ति चाहे तो स्वयं ईश्वर हो सकता है। मनुष्य को छोड़कर कोई ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता और मनुष्य को छोड़कर कोई आत्महत्या भी नहीं कर सकता। हमें स्वाधीनता का कैसा उपयोग करना है यह देखना है।
हम यदि सदिच्छा रखेंगे तो कभी भी हम पराजित नहीं हो सकते। हम भीतर से अनुभव करें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी आध्यात्मिकता की उपलब्धि है। जब तक हमें संसार असार अनित्य नहीं लगेगा, तब तक हमारा मन चंचल होगा ही। इंद्रिय सुखों की ओर जितना वैराग्य होगा, उतने ही हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। हमारी आत्मा ही नित्य है, नित्य को पा करके ही हम भगवान को पा सकते हैं।